चलें लिख लेते हैं हम इसकी आउटलाइन पाकिस्तान अफेयर्स की। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है वैल्यूएशन। मुस्लिम जी जी बोले साध सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं जी हजरत मुजद्दिद अली थानी। थर्ड पे जो है शाह वलीउल्लाह। फोर्थ नंबर पे जी आप आउटलाइन लिखते जाएं साथ में। टॉपिक नंबर 5 हमारे पास है टू नेशन थ्योरी। थ्योरी इन द लाइट ऑफ स्पीचेस ये सर सैयद अहमद खान का भी कह सकते हैं, उसके अलावा आप अल्लामा इकबाल का भी कह सकते हैं और कायदे आजम मोहम्मद अली जिना का भी कह सकते हैं कि इनके इनका इन्होंने जो कहा है ना टू नेशन थ्योरी के बारे में आप वो यहाँ पे लिखे हैं इनकी स्पीचेस। तो ये किसी एक का कह सकते हैं, मतलब कि जैसे ये इन्होंने 2020 का जो है ना वो पेपर उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जो है वो अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट जो है ना वो एड्रेस ऑफ अलाहाबाद उसके बारे में वो 20 मार्क्स का लिखना है। इसी तरह से ये आपको दे देंगे कि टू नेशन थ्योरी जो है वो आप अकॉर्डिंग टू स्पीचेस ऑफ अल्लामा इकबाल लिखें या फिर कायदे आजम का नाम दे देंगे, किसी एक का ही देंगे। ठीक है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर पे जितनी भी ये सार्क हो गई ईसी ओ हो गई ये जितनी भी तंजीमें हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 7 जो है हमारी आउटलाइन सिविल मिलिट्री रिलेशन इन पाकिस्तान।
8 पे जो है वो हमारे पास आ जाती है 18th अमेंडमेंट्स इट्स इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान। नाइन पे जो है वैल्यूएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फिर जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में हमने बताना है। टेन पे हमारे पास जो है टेन पे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और 11 पे हमारे पास आ जाएगी वार इन अफगानिस्तान। वार इन अफगानिस्तान सिंस 1947। वार इन अफगानिस्तान सिंस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पाकिस्तान। और 12 पे प्रिविलेज सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। थर्टीन नंबर पे हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। और 14 और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान जी, ये शोर है सबको? जी मैम, शो हो रहा है। ये जो है वो टोटल आउटलाइन है जिसको हम कवर करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो आज हमारा जो फर्स्ट जो है ना वो लेक्चर वो हम कर लेते हैं शाह वली उल्ला के बारे में। थोड़ा बहुत को बता देते हैं कि शाह वली उल्ला कौन थे, और इसको हमने जो है वो इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरह से करना है अगर शाह वली उल्ला का क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट इधर एक और टैक्स फॉर्मेशन ले आते हैं। जी जी मैम, ये क्लास कितने लेक्चर पे वास्तव में लोगी जो आप इसको कवर करवाएंगे ये 14 पॉइंट्स? ये तकरीबन 16 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि इसमें से ना कुछ जो है वो जैसे तंजीमें हो गई हैं उन पे एक एक दो दो दिन लग जाएगा। जैसे टू नेशन थ्योरी है वो अकॉर्डिंग टू मतलब दो तीन लोगों के बतानी है, तो उस पे भी एक दो दिन लग जाएगा। तो 16 से 17 क्लासेस होगी। ये आज बाकायदा पहली क्लास है या नेक्स्ट
कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। आप बता दें, अगर कल से करनी है तो कल से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे मैं कह रही थी कि शाह वलीउल्लाह का थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ मीटिंग का जो सेशन है 40 मिनट का, वो तो एंड होने वाला है, तो चलो फिर शाह वलीउल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। कितना ड्यूरेशन का वो होगी क्लास शाह वली उल्ला की? ये तकरीबन जो है वो 40 मिनट से तो अब आपकी होगी, एक क्लास नहीं दो क्लासेस मतलब लगनी है, थोड़ा सा टाइम ऊपर भी लग सकता है, तकरीबन 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, ज्यादा नहीं। मतलब दो सेशन करने पड़ेंगे। चलें हाँ जी ठीक है। हैं, तो फिर इसको फिर हम स्टॉप कर लेते हैं, और बाकी इसका जो पेपर है ना, वो 22 का जो पेपर है ना, उसमें जो है वो मुस्लिम रिलीजियस लीडर की जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो क्वेश्चन आया हुआ है, और कंसेप्ट ऑफ अल्लामा इकबाल ये मैंने बता दिया है, एड्रेस जो उन्होंने दी है। ये शाह वलीउल्लाह के टॉपिक में से आया हुआ है। नहीं उसमें से तो नहीं आया हुआ, लेकिन अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट आया हुआ है, और उसके अलावा जो है वो सार की जो तंजीम है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि गिव रेकमेंडेशंस टू मेक सार कैन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एट रीजनल लेवल कीपिंग इन व्यू सक्सेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। वैसे ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें, बात करें, तो जो आपने 14 15 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो क्या हर पार्ट में एक एक क्वेश्चन आता है, या इसमें से कुछ स्किप भी होता है, या नहीं ये चौथा मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं जो है वो मैंने, बाकी ये पॉइंट्स जो है वो मैंने अकॉर्डिंग टू जितने भी पास पेपर हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो एक्सपेक्टेड हैं कि नेक्स्ट आ सकते हैं उसी में से मैंने जस्ट वही उठाए हैं टॉपिक। वैसे तो इसका काफी सारा है। सही है। मतलब अगर हम ओवरऑल ड्यूरेशन देखें, तो कितना टाइम इसको होल सिलेबस को कवर करने में, अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स, कितना ड्यूरेशन लग जाएगा, कितने लेक्चर्स हो जाएंगे? हम इसको करेंगे क्वेश्चन वाइज, मेरा तो यही इरादा है कि क्वेश्चन वाइज करेंगे, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन लिखने में भी प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से लिखना है हमने। तो ये तकरीबन जो है वो देखेंगे, इसमें से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो क्वेश्चन वाइज मैंने कहा है 17 तक क्लासेस हो जाएंगी, इससे ज्यादा क्लासेस नहीं होती, फिर इसके जो है वो टेस्ट होंगे, और ये तकरीबन हम 20 क्लासेस इसकी रख लेते हैं, लास्ट वाली जो 3 क्लासेस हैं उनमें टेस्ट होंगे। चलें ठीक है ठीक है। तो कल आपकी क्लास 5 बजे होगी? ठीक जी, है, शुक्रिया मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी नहीं है क्वेश्चन। मैम मुझे पूछना है जी पूछे। जी मैम, जो ये सिलेबस है हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का, ये तो बहुत ज्यादा लंबा है, तो जी क्या ये नेसेसरी है कि ये पूरा कोर्स कवर करना होता है, या कुछ जो मेन टॉपिक्स होते हैं वही क्योंकि कवर अब करने हमारे पड़ते हैं? पास जो है वो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, और अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो हमने चलना है कि हमारा जो टाइम है वो भी हम मैनेज कर लें, और हमारी जो तैयारी है वो भी हम हर एंगल से करें, तो इसके लिए जो है ना वो हमने ये जो है वो तरीका कार इख्तियार किया है कि हम पास्ट पेपर देखेंगे, जो चीजें ज्यादा रिपीट हो रही हैं वो हम करवाएंगे पहले, तो फिर सेकंड पे जो चीजें जैसे कि सीरीज में आती हैं, ठीक है, एक दफा एक आ गई है, दूसरी दफा दूसरी आ गई है, तीसरी दफा, फिर जो है वो नेक्स्ट हमें थोड़ा सा उसके बारे में इल्म होता है कि ये नेक्स्ट टाइम ये वाली चीज आ सकती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम करवाएंगे आपको, क्वेश्चन वाइज करवाएंगे। और टाइम सी एस अगर में जो है, जी जी पूछे। जी आप बताएं, मैं फिर पूछता हूँ।
जी सीएसएस में जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री से आते हैं, और पीएमएस में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो प्री पार्टीशन हिस्ट्री से ज्यादा आते हैं। और उसके अलावा जो पीएमएस का पेपर होता है उसमें आपके जो क्वेश्चन की लेंथ होती है कि आपने कितनी उसमें हेडिंग्स दी हैं, आपने किस तरह से उसको स्टार्ट किया है, उसका जो है मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट में आपने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं तो उसका हम स्टार्ट में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम उसका विजन बताएंगे कि वो जो बंदा था वो करना क्या चाहता था, फिर हम उसकी सर्विसेज बताएंगे, जो जो सर्विसेज चाहे उसने रिलीजियस दी होंगी, पॉलिटिकल दी होंगी, जो भी दी होंगी। और उसके बाद जो है वो हम इसको अगर लास्ट पे सम अप करने की बात करेंगे तो फिर हम जो है वो लास्ट पे इसकी कंक्लूजन अपने से, मतलब उस पूरे क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तो हमारे जहन में उस बंदे का एक जो है वो कंसेप्ट बन जाता है तो वो हम लिख लेंगे। तो इस तरह से जो पीएमएस में है ना वो आपके पेपर की जो आपका क्वेश्चन है उसकी लेंथ बहुत मैटर करती है कि आपने कितनी हेडिंग्स दी हैं, और सीएसएस में जो है वो इतना मतलब लेंथ ही जो है वो क्वेश्चन नहीं होता। बाकी और कुछ? मतलब सीएसएस तो जो लेंथ मैटर नहीं करती, बस जो हमने उसमें मटेरियल डाला हुआ है वो मैटर करता है मैडम। हाँ जी, मैम अगर ड्यूरेशन को देखें तो अगर कोई जो एस्पायरेंट है वो 2024 में भी होना चाहे तो उसके पास तो है जी टाइम, जी वो तो कवर कर सकते हैं ना। जी वो कर सकते हैं अगर जो है वो वाकई में सीरियस हैं, तो जाहिर सी बात है आप अगर किसी चीज के साथ सीरियस हैं और आप करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। इंसान जो है वो कौन सी चीज है जो इंसान नहीं कर सकता, बस वही है कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपका कि मैंने करना है। अगर आप डेली के तकरीबन जो है वो सिलेबस के दो आउटलाइन भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपका हो सकता है। मैम क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने मतलब कि CS24 में अप्लाई करना है या उसमें अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए एक स्लो ड्यूरेशन के लिहाज से हम लेके चलें कोर्स को और सारी जी अभी चीज़ों तो हम जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। अभी जो है वो हम पीएमएस के हवाले से जो है वो सेशन कर रही हैं क्योंकि पीएमएस के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास टाइम कम है, तो उसके हवाले से हम कर रहे हैं। बाकी जो है वो नेक्स्ट हम अपना एक और सेशन जो है वो कर लेंगे और उसमें आपको बकायदा मुकम्मल पढ़ाया जाएगा जो आपका होगा सिलेबस, क्योंकि फिर हमारे पास टाइम होगा, फिर हम आपको एक एक चीज कवर करवाएंगे।